हेलो बच्चों, वी आर गोइंग टू लर्न मैथ फर्स्ट लेसन। ओके, फर्स्ट वी लर्न इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर, रिवीजन, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल एंड सर्कल। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्वाड्री मीन्स फोर एंड लेटरल मीन्स साइड। क्वाड्रिलेटरल मीन्स फोर साइड, जिसके फोर साइड्स हों। डजंट मैटर कि वो साइड्स कैसे हों, वो चाहे ऐसे हो, मतलब एक साइड उसका छोटा या बड़ा, उससे कुछ मतलब नहीं है। या स्क्वायर शेप में हो या इस शेप में हो। ये देखिए, इसमें तीन तीन एग्जाम्पल दिए हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये? क्वाड्री मीन्स फोर, लेटरल मीन्स साइड, मीन्स जिसके फोर साइड्स हो। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके फोर साइड्स हो एंड जिसमें फोर कॉर्नर हो। ये देखिए, कॉर्नर इसमें कितने हैं? ये देखिए, फोर कॉर्नर। इसमें भी देखिए, फोर स्क्वायर बना है क्वाड्रिलेटरल, इसमें फोर साइड एंड फोर कॉर्नर। इसमें भी देखिए, फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स हैं। जिसमें भी फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स हैं और उसका शेप चाहे जैसे भी हो, इट डजंट मैटर कि वो कैसे, कौन उसमें साइड छोटा है या बड़ा है या किस तरफ से है, इससे मतलब नहीं है, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। एंड सेकेंड ये देखिए क्या है, दूसरा ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है? जिसमें थ्री एंगल्स हो, जिसमें थ्री साइड्स हो, थ्री साइड। देखिए ये क्या है? ट्राइंगल। ये चाहे ऐसे भी बनाए तो भी ट्राइंगल। ये देखिए ऐसे है, ये भी क्या है? जिसमें थ्री साइड्स हो। ट्राइंगल की यही पहचान है कि इसमें थ्री साइड्स हो, वो चाहे जैसे भी हो। ये क्या है? ट्राइंगल। समझ में आया? ये देखिए, ऐसे भी है तो भी ये ट्राइंगल है, ऐसे भी है तो भी, ऐसे भी है तो भी ये ट्राइंगल है। इसमें देखिए, वन साइड, टू साइड एंड थ्री साइड। इसमें भी देखिए, इधर वन टू थ्री, जिसमें थ्री साइड हो, ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? सर्कल। सर्कल क्या है? इसमें एक भी ना साइड हो ना तो कॉर्नर हो, क्या है? सर्कल। ऐसा गोला क्या रहता है? सर्कल। ये क्या है? सर्कल। जिसमें ना तो एक भी साइड हो एंड ना एक भी कॉर्नर हो, क्या है? सर्कल। ओके, नेक्स्ट वी एट लुक एट द पिक्चर बिलो, आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल फिगर, ड्रॉ इट एंड राइट इट्स नेम। इसमें क्या दिया है? इसमें ये फिगर्स दिया है, इनको देखना है, फिर इनको फिगर्स को ड्रॉ करना। जैसे ये क्या पहला दिया है? ये क्या है? एक टीवी है। क्या है बच्चों? टीवी। तो ये कौन से शेप में? टीवी कौन से शेप में होता है? हमेशा ये रेक्टेंगल शेप में, जिसमें कि आमने सामने की लाइंस बराबर होती है। देखिए, ऊपर की लाइंस ऐसे, नीचे सामने की, आमने सामने, ये इधर की लाइन और इधर की, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम बराबर। उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ये कौन से शेप में है? रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल इसमें एग्जाम्पल में बनाया भी है। अभी दूसरा देखिए, ये क्या है? रेक्टेंगल में भी फोर साइड एंड फोर कॉर्नर होते हैं। ये देखिए, एक दो तीन एंड चार। इसमें क्या है? इसमें फोर साइड एंड फोर कॉर्नर, और इसमें देखिए आमने सामने के साइड जो हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। एंड सेकेंड देखिए, ये क्या है? ये देखिए, ये क्या है? ये कि कैरम बोर्ड है। कैरम बोर्ड कैसा होता है? कैरम बोर्ड ऑलवेज, जिसमें कि इसके चारों साइड जो हैं हमेशा इक्वल होते हैं। ये साइड, ये इसके और ये चारों साइड हमेशा इक्वल होते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ये कौन से शेप में है? स्क्वायर। कौन से शेप में है? स्क्वायर। ये देखिए, स्क्वायर हमेशा ये साइड, ये और
और ये चारों साइड हमेशा इक्वल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो इसको यहाँ स्क्वायर ड्रॉ करना है एंड फिर इसका इधर पे नेम लिखना है। ये देखिए, यहाँ पहले दूसरे लाइन में इसको ड्रॉ करना है एंड नीचे वाली लाइन में इसको इसका नेम लिखना है। तो ये क्या हो गया पहला, ये टीबी किस शेप में है, रेक्टेंगल, और ये कैरम बोर्ड स्क्वायर, एंड ये थर्ड देखिए ये क्या है, ये थर्ड, ये देखिए कैसे, ये कौन सा शेप है, ये ट्राइंगल जिसमें कि थ्री साइड्स हों। ये देखिए वन साइड, टू एंड थ्री, जिसमें थ्री साइड्स हों वो हमेशा क्या होता है, ट्राइंगल। क्या है ये, ट्राइंगल। इसको देखिए ट्राइंगल को ऐसे आप देखिए, मैं ऊपर बताया ना ट्राइंगल के हमेशा थ्री साइड्स होते हैं, और वो कैसे भी हों, चाहे उसको यहाँ देखिए इधर ऐसे ऐसे या ऐसे, ये है कि इसमें थ्री साइड्स होनी चाहिए, तो क्या होता है वो ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है और इधर नीचे इसका नेम लिखना है। और ये देखिए थर्ड फोर्थ, ये क्या है, ये कौन सा शेप है, ये देखिए ध्यान से, इसमें ये एक बच्चों को खेल ऐसा गेमिंग मोबाइल है, इसका कोई साइड ऐसा एक जैसे इक्वल नहीं है, इसमें फोर साइड्स तो हैं और फोर कॉर्नर भी हैं, लेकिन कोई शेप इसका फिक्स नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, इसमें फोर साइड्स हैं और फोर कॉर्नर भी हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ इसको ड्रॉ करना है और नीचे इसका नेम लिखना है। फिर ये देखिए ये क्या है, ये है सर्कल। सर्कल में ना तो कोई साइड्स होते हैं और ना ही कोई कॉर्नर होते हैं, तो ये गोल है, क्या है, सर्कल। यहाँ सर्कल ड्रॉ करना है एंड यहाँ पे इसका नेम लिखना है, सर्कल सर्कल। समझ में आया आप लोग को, फिर देखिए यहाँ क्या है, Identify the triangles, circles and quadrilateral in the picture above. Color triangle red, the quadrilateral blue and the circle yellow. इसमें आपको बच्चों आइडेंटिफाई करना है, इतने सारे फिगर्स दिए हैं कि देखिए यहाँ से यहाँ तक इन सब में इतने सारे फिगर्स दिए हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ट्रायंगल्स कितने हैं और सर्कल कितने हैं और क्वाड्रिलेटरल कितने हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करके आपको लिखना, उसमें कलर्स भरने हैं, जैसे ट्रायंगल्स को रेड कलर, क्वाड्रिलेटरल को ये देखिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर साइड हो, क्वाड्रिलेटरल को ब्लू कलर एंड सर्कल को येलो कलर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओके बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट एड्स, एड्स एंड कॉर्नर। व्हाट इज एड्स एंड कॉर्नर, लुक एट दिस पीस ऑफ बर्फी, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए ये क्या है, एक प्लेट पे ये एक बर्फी का टुकड़ा रखा है, क्या है, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। हम बताए ना आप लोग को कि क्वाड्रिलेटरल का जिसमें फोर साइड्स और फोर कॉर्नर्स हो, बट उसका शेप चाहे जैसे हो डजंट मैटर, जिसमें फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स हो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या है, बर्फी का टुकड़ा क्या है, क्वाड्रिलेटरल, यही बताया। और क्वाड्रिलेटरल है फोर एड्स एंड फोर कॉर्नर्स, वही एड्स मीन साइड्स भी, जैसे कि इसमें वही बर्फी के टुकड़े में फोर एड्स एंड फोर कॉर्नर्स है, वही बताया है। फिर देखिए
Observe the surface a table. How many eight does surface? अब ये सरफेस को देखिए, ये एक टेबल है, इसके सरफेस को देखने के लिए बता रहे हैं कि ये टेबल के सरफेस को देखिए, हाउ मेनी एट्स डज सरफेस, इसके पास कितने एट्स हैं, देखिए वन, ये इसमें फोर एट्स हैं एंड कॉर्नर्स कितने हैं, देखिए कॉर्नर वन टू थ्री फोर, ये देखिए नीचे के भी ये सब इसमें सरफेस में, ये देखिए नीचे भी ये कॉर्नर्स होते हैं, ये देखिए नीचे भी ये कॉर्नर्स है, तो यही इसमें आप लोग को बताना है. व्हाट इज द शेप ऑफ सरफेस एंड टेबल, ये कैसा शेप है इसका, ये कौन से शेप में है, रेक्टेंगल, कौन से शेप में है, रेक्टेंगल. और देखिए हाउ मेनी कॉर्नर्स जज द सरफेस, कितने कॉर्नर्स हैं सरफेस में, देखिए कितने कॉर्नर्स हुए, कॉर्नर्स काउंट करिए, देखिए एक ये सरफेस है, ये देखिए सरफेस और इसमें ये लाइन है, अब देखिए इसमें कितने वन टू थ्री फोर और फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये सब भी देखिए टेन, इसमें कितने लगभग टेन्स क्या हैं, कॉर्नर्स हैं, मतलब जो भी ऐसा कॉर्नर हो रहा है उसमें सरफेस में क्या है, इतने कॉर्नर्स हैं. ओके, व्हाट इज द शेप ऑफ सरफेस, अब शेप आप देख रहे हैं कि ये कौन सा शेप है सरफेस का, रेक्टेंगल, कौन सा शेप है, रेक्टेंगल. ये क्या है, रेक्टेंगल, टेक अ रेक्टेंगल सीट ऑफ पेपर एज सो जीरो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल आई, ट्राइंगल. व्हाट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल इज द शेप हूज, जिसमें की थ्री साइड्स हों, इसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, जिसमें थ्री साइड्स हों, वो साइड्स कैसे दिए, देखिए ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल, इसमें देखिए दो ट्राइंगल बना के दिए हैं आपको, ये ऐसे भी है तो ये ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें देखिए वन साइड टू साइड एंड थ्री साइड, जिसमें थ्री साइड हो वो क्या है, ट्राइंगल. इसमें भी देखिए आपको थ्री साइड है, वन टू एंड थ्री, क्या है, थ्री साइड है, तो क्या है, ट्राइंगल. ओके, देखिए हाउ मेनी एट्स डज ट्राइंगल हैव, हाउ मेनी कॉर्नर, तो इसमें पूछा है कि ट्राइंगल के पास कितने एट्स हैं एंड कितने कॉर्नर, तो ट्राइंगल के पास कितने एट हैं, देखिए एट मीन साइड्स होते हैं, ये वन टू एंड थ्री, थ्री साइड मतलब थ्री एट्स, एंड इसमें भी देखिए ट्राइंगल है तो कितने, वन टू एंड थ्री, थ्री एट्स एंड कॉर्नर कितने हैं, देखिए वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, मतलब कि ट्राइंगल में थ्री एट्स एंड थ्री कॉर्नर्स होते हैं, कितने, एक ट्राइंगल में थ्री एट्स एंड थ्री कॉर्नर्स होते हैं, देखिए इसमें ये देखिए ट्राइंगल है, इसमें वन टू एंड थ्री एट्स एंड वन टू एंड थ्री, क्या है ये, कॉर्नर, कितने कॉर्नर्स हैं, थ्री एट्स एंड थ्री कॉर्नर्स हैं, एक ट्राइंगल में कभी भी थ्री एट्स एंड थ्री कॉर्नर्स होते हैं. अब देखिए फाइंड दिस शेप इन योर सराउंडिंग, आपने आसपास आप इस शेप को नोटिस करिए, देखिए यूज स्टिक्स टू मेक द फॉलोइंग शेप, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, और उसको यूज करिए, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, जो भी हमने आपको सिखाया है वो अपने आसपास आप ऑब्जर्व करिए, स्टिक से यूज करके उसको आप ऐसा बनाइए, अपने नोटबुक में आप क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल अपने नोटबुक में आप बना के उसको प्रैक्टिस करिए. फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट
कंप्लीट द टेबल बिलो, इस टेबल को कंप्लीट, देखिए यहाँ पे दे दिया है बनाने के लिए, ये क्या है फिगर, फर्स्ट फिगर, नेम ऑफ फिगर, फिगर के नेम लिखने हैं, नेम ऑफ एज, कितने एज है वो लिखने हैं, नेम ऑफ कॉर्नर, कितने कॉर्नर, अब क्या है फर्स्ट देखिए ये कौन सा शेप है, ये ऐसे, ये कौन सा शेप है, ये फर्स्ट फिगर आप देखिए, ये फर्स्ट फिगर में ये कौन सा शेप है, ये देखिए ये कौन सा शेप है, हम बताए ना कि जिसमें फोर साइड्स हो और फोर कॉर्नर्स हो, लेकिन उसमें कोई इक्वल साइड्स होने की कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि उसके साइड इक्वल हो, ये देखिए इसमें कोई फिक्स नहीं है कि ये और ये बराबर नहीं है, ये और ये भी सेम चाहे जैसे भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं क्वाड्रिलेटरल, उनको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या है नेम ऑफ फिगर, इसका नेम क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्यू यू ए डी आर आई एल ए टी ई आर ए एल, क्वाड्रिलेटरल, क्या है फिगर का नाम क्वाड्रिलेटरल, ओके बच्चों इसमें आप लोग ये फील कर लीजिए क्या है क्वाड्रिलेटरल, एंड देन नंबर ऑफ एज, इसमें कितने एज हैं, अब आप देखिए इसमें कितने एज हैं क्वाड्रिलेटरल में, 1, 2, 3 एंड 4, हमने बताया ना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने एज होते हैं 4 एज, कितने एज होते हैं 4, कितने एज 4, एंड नंबर ऑफ कॉर्नर भी कितने हैं 4, देखिए अब देखिए कितने हैं कॉर्नर्स 1, 2, 3 एंड 4, कभी भी क्वाड्रिलेटरल में भी 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये देखिए कौन सा फिगर है, ये कौन सा शेप है, ये तो आपको समझ में आएगी, रेक्टेंगल जिसमें ये इन फ्रंट ऑफ दोनों यानी कि आमने सामने की लाइंस जो होती हैं वो बराबर होती है, कभी भी ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के बराबर होगी, और ये लाइन एक दूसरे के बराबर हो, चाहे जितनी भी बड़ी लाइन हो या छोटी, डजंट मैटर, तो ये क्या है रेक्टेंगल, इसका नाम क्या है रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, ओके ये क्या है इस फिगर का नाम आप लिखेंगे रेक्टेंगल, एंड देन नंबर ऑफ एज, रेक्टेंगल में भी देखिए कितने एज हैं 1, 2, 3 एंड 4, कितने एज हैं 4 एज एंड कॉर्नर भी 4, ओके अब ये देखिए नेक्स्ट, ये देखिए थर्ड फिगर, ये कौन सा फिगर है, क्या शेप है इसका, इसमें देखिए ये लाइन्स और ये लाइन्स, चारों लाइन्स इसमें बराबर है, जिसमें चारों लाइन्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर, या स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर में कितने एज होते हैं, स्क्वायर में भी 4 एज एंड कॉर्नर 4, आपको समझ में आया, स्क्वायर में भी देखिए 1, 2, 3, 4 एज एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है समझ में आया, जिसमें चारों लाइंस बराबर हो वो क्या होते हैं स्क्वायर, ओके अब नेक्स्ट ये देखिए ट्रायंगल, जिसमें 3 साइड्स हो ट्रायंगल, ठीक है साइड तो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में कितने एज हैं 3 और कॉर्नर 3,